हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी अनदर डिजीज दैट इज़ कैंसर सो मेनली आप सब लोगों ने कैंसर के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा और कैंसर के बारे में जो एक कॉमन चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी वो है ट्यूमर का फॉर्मेशन यानी कि कैंसर में मेनली हमारे बॉडी पार्ट्स हुए इनर बॉडी पार्ट्स उसमें मेनली एक ट्यूमर जो है वो फॉर्म होती है तो ये ट्यूमर जो है वो हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं जो कि रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं या फिर उनकी जो डिवीजन की प्रोसेस है कंट्रोलिंग प्रोसेस वो प्रोसेस डिसरप्ट हो जाती है जिसकी वजह से हमारे खुद की बॉडी सेल ही जो है वो ज़्यादा डिवाइड होके एक सेल का मास बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कैंसर सो मेनली हमारी बॉडी में जितने भी सारे सेल्स हैं उनकी ग्रोथ और जो डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस है यानी कि कौन सा सेल जो है वो कौन सा टिश्यू फॉर्म करके कौन सा फंक्शन करेगा ये सारी प्रोसेस जो है वो अच्छी तरह से कंट्रोल और रेगुलेट होती हैं लेकिन हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल हैं उसमें मेनली क्या होता है तो कैंसर सेल में हमारे जो नॉर्मल सेल में एक कॉन्टेक्ट होता है वो कैंसर सेल में लैक होता है तो सबसे पहले अगर हम कांटेक्ट इन्हीबिशन की बात करें तो मेनली हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स जो हैं वो दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में होते हैं और उस कंट्रोल की वजह से वो हमारे जो बॉडी के सेल है उसकी जो ग्रोथ की प्रोसेस है वो कंट्रोल होती है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो प्लेट है उसमें हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं अब जैसे ही यहाँ पे कोई सेल जो है वो ब्रेक होते हैं या फिर यहाँ पे कोई सेल में डैमेज हुआ है तो यहाँ पे ये जितनी भी स्पेस है वो फील हो उतने तक ही ये जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो डिवाइड होंगे क्योंकि यहाँ पे ये सारे सेल जो है उनके पास कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी अभी भी प्रेजेंट है तो उस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यानी कि आपस की जो सेल है सराउंडिंग सेल उसकी कॉन्टैक्ट की वजह से जो उनका डिवीज़न जो है वो या फिर जो ग्रोथ है वो स्टॉप कर सकते हैं लेकिन कैंसर सेल्स में मेनली क्या होता है ये जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन है यानी कि सराउंडिंग सेल के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू सेल ग्रोथ या फिर डिफ्रेंशिएशन जो है उसे स्टॉप करने की जो प्रॉपर्टी है वो इन सारे कैंसर सेल्स में लैक होती है तो इसकी वजह से ये कैंसर सेल जो है वो कंटीन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं तो अगर ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाएंगे तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में सेल का एक बंच यानी कि मास ऑफ सेल जो है वो कलेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से ये जो कैंसरियस सेल्स हैं उनका जो एक मास होता है उसे हम बोलेंगे ट्यूमर और मेनली हमारी बॉडी के जो वेरियस पार्ट है लाइक लीवर लंग स्टमक इन सब में कैंसर जो है वो मेनली होता है तो इन सभी में जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन का कैंसर होगा तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में इस तरह से ट्यूमर फॉर्म होती है जो कि कैंसर का इंडिकेशन होती है और मेनली ये जो ट्यूमर्स है वो दो टाइप्स की होती हैं एक है बनेग्निट ट्यूमर और सेकंड मैलिग्नेंट ट्यूमर तो अब हम मेन डिफरेंस की बात करें कि ये बैनिग्नेट और मैलिग्नेंट ये ट्यूमर्स है क्या तो अगर ऐसी ट्यूमर जो जहाँ पे यानी कि जिस एरिया में फॉर्म हुई है वो अगर उसी एरिया पे स्टिक करे यानी कि वो मूव ना हो तो उसे हम बोलेंगे बनिग्न ट्यूमर और अगर ट्यूमर में से कुछ सेल जो हैं वो रिलीज होंगे और दूसरे बॉडी पार्ट्स को इन्वर्ट कर सकते हैं तो उस टाइप के ट्यूमर को हम बोलेंगे मनिग्न ट्यूमर तो मेनली ये जो मलिग्न ट्यूमर है उसमें क्या होता है कुछ ऐसे सेल जो कि प्रोलिफरेट हो सकते हैं यानी कि उनकी प्रोलीफरेटिंग कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल सेल्स से ज़्यादा होती हैं तो उसे हम नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं और ये जो नियोप्लास्टिक सेल्स के थ्रू जो ट्यूमर फॉर्म होगा उसे हम नियोप्लास्टिक ट्यूमर भी बोलते हैं तो यहाँ पे अब ये जो मलेग्नेट ट्यूमर के अंदर जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड होते हैं तो उनकी डिवीजन के लिए ये हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं और उस न्यूट्रिशन के लिए वो हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उसके साथ भी कम्पीट करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के जो उन्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए लेकिन ये जो न्यू प्लास्टिक सेल है वो डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू जो भी एनर्जी चाहिए वो उस न्यूट्रिएंट्स में से लेते हैं तो इस तरह से हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें एग्जेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पाते और ये जिस भी एरिया में ये ट्यूमर ग्रो होती है तो उसकी जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू हैं उन्हें भी अफेक्ट करते हैं और उसकी सेकेंड मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें से जो भी सेल लिबरेट होते हैं यानी कि स्लग्ड होते हैं ऐसे ट्यूमर में से सेल तो वो सेल जो है वो जैसे ही कोई अन बॉडी पार्ट पे लॉस्ड होंगे तो वो उस बॉडी पार्ट में भी ट्यूमर फॉर्म कर सकते हैं यानी कि ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है उसके अंदर ये जो नीओप्लास्टिक सेल्स हैं वो इस ट्यूमर में से रिलीज़ होंगे और दूसरे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो वहाँ पे जाके लॉस होंगे और वहाँ पे फर्दर दे डिवाइड एंड दे विल फॉर्म अ न्यू ट्यूमर तो इसकी वजह से ये ट्यूमर जो है या फिर कैंसर जो है वो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में भी स्प्रेड होता है तो ये कैंसर सेल की जो प्रॉपर्टी है एक ट्यूमर में से स्लाज के अदर बॉडी पार्ट में लॉज हो के वहाँ पर न्यू ट्यूमर फॉर्म करने की उसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो ये जो मेटास्टेसिस की प्रोसेस है वो इस पर्टिकुलर मैलेग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स है उसमें देखने को मिलती है तो ये कैंसर में दो टाइप्स की मेनली ट्यूमर्स फॉर्म होती है अब मेनली हम इसके डिफरेंस की बात करें तो मालिग्न ट्यूमर जो है वो मेनली कैंसरियस ट्यूमर है यानी कि वो ट्यूमर जो है वो स्प्रेड हो सकती है और जो बैनिग्नेंट ट्यूमर है उसे मेनली हम नॉन कैंसरियस ट्यूमर भी बोलते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं होती देन सेकेंड इज सेल्स आर नॉट एडहेड टू ईच अदर यानी कि सेल्स जो है वो बंच बना दे हैं और उसमें से कुछ सेल जो है वो स्लज भी हो सकते हैं लेकिन मैलिग्न ट्यूमर में सारे सेल्स जो है वो एक दूसरे के पास अड़हर होके कलेक्ट होते हैं नाविन मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स टेन टू मूव इन ब्लड स्ट्रीम यानी कि जो इस ट्यूमर में से सेल रिलीज होंगे वो ट्यूमर ब्लड के अंदर सेल्स एंटर होंगे और ब्लड के थ्रू वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होंगे नाविन मैलिग्न ट्यूमर सेल्स रिमेन इंटैक्ट इन टू सेल मास यानी कि वो ट्यूमर जो फॉर्म हुई है वो इंटैक्ट होती है यानी कि उसमें से सेल्स जो है वो रिलीज नहीं हो सकते नाव द मैलिग्नेंट ट्यूमर शोज मेटास्टेसिस एंड एंटर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ये हमने मेटास्टेसिस की जो प्रोसेस है उसके बारे में आगे डिस्कस किया कि ट्यूमर में से जो भी सेल्स रिलीज होंगे वो सेल दूसरे बॉडी पार्ट में लॉस हो के वहाँ पे डिवाइड हो के नया ट्यूमर फॉर्म करेंगी लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो बैनिग्निट ट्यूमर के जो सेल हैं उसमें नहीं होती तो उसकी वजह से ये जो बैनिग्निट ट्यूमर है वो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट नहीं करती नाविन मैलिग्न ट्यूमर सेल्सोस इनडिफाइनइट ग्रोथ यानी कि इसके सेल्स जो है वो इनडिफाइनाइटली रैपिडली बहुत ज़्यादा ग्रो होते रहते हैं नाविन बनिग्नि ट्यूमर सेल्स स्टॉप ग्रो आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन साइज यानी कि बनिग्न ट्यूमर जो है उसमें सेल की जो डिवाइडिंग पीरियड या फिर टाइम जो है वो फिक्स होता है यानी कि वो जैसे ही एक पर्टिकुलर मास पे रिच हो जाएगी उसके बाद वो सेल्स जो है वो डिवाइड करना बंद कर देंगे अब ये जो हमारी बॉडी के लिए हम बात करें तो मैनिग्न ट्यूमर जो हैं इट इज़ मोर फैटल कम्पेयर टू बैनिग्नि ट्यूमर और बैनिग्नि ट्यूमर जो है वो मलिग्न के कंपेयर में कम फैटल होती है क्योंकि मलिग्निन जो है वो हमारे दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें भी इन्वर्ड करती है लेकिन बैनिग्नि ट्यूमर में ये ट्यूमर जहाँ पर फॉर्म होगी वो वहीं पर फिक्स होती है तो उसकी वजह से उसकी वजह बेनिग्न ट्यूमर से डेथ होने के चांसेस जो है वो कंपेयर टू तो मैलिग्नेंट ट्यूमर थोड़े कम होते हैं तो मेनली ये सारी प्रोसेस हैं जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर कर्ज होता है नाउ द कर्जिज ऑफ कैंसर यानी कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से हैं सो नाउ मेनली एनी एजेंट विच इंड्यूस नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल और उनकोजेनिक सेल तो अब जो अनकोजनिक सेल जो है वो मेनली ऐसे सेल है जो कि कैंसर सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं तो ऐसा कोई भी एजेंट जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स को कैंसरिस सेल में कन्वर्ट करता है तो उस एजेंट को हम बोलेंगे कारसिनोजेंट सो मेनली आपने किस एड में या फिर सिगारेट की जो भी बॉक्स होते हैं उस पर ये नोट पड़ा होगा कि ये जो इसमें प्रोडक्ट है वो मेनली कार्सिनोजेनिक है यानी कि इसकी वजह से कैंसर हो सकता है तो मेनली कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो तीन हैं फिज़िकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल कज़िज़ तो फ़िज़िकल कज़िज़ जो हैं उसमें मेनली हम बात करेंगे रेडिएशन की सो मेनली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी जो है वो भी हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं देन सेकेंड इज़ आयोनाइजिंग रेडिएशन दैट इज़ एक्स रेस एंड गामा रेस तो ये जो रेडिएशन है वो अगर हमारे सेल में और पर्टिकुलर न्यूक्लियस में से एंटर होंगे तो वो मेनली हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उस डीएनए को डैमेज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं वो न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड हो एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे तो इस तो इसलिए कहते हैं कि अगर एक्सरे की बहुत ही ज़्यादा नीड नहीं हो तो एक्सरे नहीं करवाने चाहिए क्योंकि उससे भी हमारी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस जो है वो रहते हैं देन सेकेंड इज केमिकल कार्सिनोजन सो मेनली द केमिकल्स विच इज़ प्रेजेंट इन स्मोक वो कार्सिनोजेनिक माना जाता है क्योंकि ये केमिकल भी हमारे डीएनए को डैमेज करता है नाउ दी थर्ड इज बायोलॉजिकल कार्सिनोजन कॉल्ड ऑनकोजेनिक वायरस और कैंसरजेनस वायरस तो मेनली ऑनकोजेनिक के बारे में हमने बात की कुछ ऐसे वायरस जिनके अंदर जो है वो ऑलरेडी ऑनकोजेनिक जीन यानी कि जो ऐसे जीन जो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करे वो जीन इन वायरस में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो ये वायरस अगर ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाए जिसे हम ऑनकोजेनिक वायरस बोलते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में कैंसर कर्ज कर सकते हैं अब कुछ ऐसे वायरस की हम एग्जाम्पल देखिए दो लाइक एडेनो वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसे हम एच भी बोलते दे हैं देन एच बी वी इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस तो ये कुछ ऑनकोजेनिक वायरस है जो कि हमारी बॉडी में कैंसर कर सकते हैं देन उसके अलावा हमारे ऐसे कई सेल्स हैं जिनके अंदर प्रोटो अनकोजेंस जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और ये जो प्रोटो अनकोजिन है वो ऑन्कोजीन का एक इनएक्टिवेट फॉर्म है यानी कि जब तक ये जीन्स जो है वो प्रोटो अनकोजिन्स में प्रेजेंट है तब तक हमारी बॉडी में कैंसर नहीं हो सकता और ये जो प्रोटो अनकोजेंस हैं उसे हम सेलुलर ऑनकोजेंस सी ऑनक बी बोलते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल सेल में ये जो प्रोटो ऑनकोजिन्स प्रेजेंट है वो ऑनकोजिन्स में कन्वर्ट होते हैं और उसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल सेल है वो भी ऑनकोजिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसकी वजह से कैंसर जो है वो हो सकता है नाउ दर इज़ कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस तो फर्स्टली बॉडी के कौन से पार्ट में कैंसर है उसे डायग्नोस करने के लिए बहुत सारी मेथड्स जो है वो अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहले हैं बायोप्सी एंड हेस्ट्रोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ तो अब मेनली बायोप्सी में क्या किया जाता है तो जो भी सस्पेक्टेड ऑर्गन हो यानी कि जहाँ जिस ऑर्गन में डाउट हो कि शायद इस ऑर्गन का कैंसर हो सकता है तो मेनली उस ऑर्गन में से उसका एक बहुत ही ज़्यादा थिन सेक्शन जो है वो कट किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस बायोप्सी हमें लंग की बायोप्सी करनी है तो उसके लिए लंग्स में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उसे हम बायोप्सी नीडल से रिमूव करेंगे और उसका एक थिन सेक्शन जो है वो माइक्रोस्कोप में हम स्टडी करेंगे तो ये जो टिश्यू हैं उसकी बायोप्सी हम इस तरह से कर सकते हैं देन उसके अलावा हमें किसी भी सस्पेक्टेड ऑर्गन की बायोप्सी करनी है तो बायोप्सी का एंड शॉर्ट मीनिंग है जो सस्पेक्टेड ऑर्गन है उसमें से बहुत ही ज़्यादा थिन जो है वो टिश्यू का सेक्शन लो देन उसे माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामाइन करो तो ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है उसे हम मेनली बोलते हैं हिस्ट्रोपैथोलॉजिकल स्टडी तो फर्स्टली कैंसर जो है वो मेनली इस तरह से बायोप्सी से डायग्नोस हो सकता है देन सेकेंड मेथड है उसके लिए वो है रेडियोग्राफी तो मेनली रेडियोग्राफी में क्या होता है एक्सरे जो है वो यूज़ किया जाता है और उस एक्सरे से हम उस पर्टिकुलर सस्पेक्टेड ऑर्गन जो है उसकी एक फिल्म पे हमें इमेज मिलती है और उसमें से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन में साल का कोई एक्स्ट्रा मास जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है देन उसके बाद है कंप्यूटेड टोमोग्राफी दैट इज स्कैन सो मेनली कंप्यूटेड टोमोग्राफी में भी एक्सरे रेडिएशन ही यूज़ होता है लेकिन नॉर्मल रेडियोग्राफी और इस सीटी स्कैन में डिफरेंस क्या है तो मेनली ये जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है उसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन का थ्री इमेज जो है वो अपटेन कर सकते हैं तो ये थ्री इमेज जो है वो हमें किसी भी ऑर्गन की जो इंटरनल स्टडी है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है देन उसके बाद थर्ड मेथड जो है वो है एमआरआई आर दैट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तो उसमें मेनली हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम इमेज जनरेट करते हैं और उसके अलावा कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी यूज़ करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए तो आप यहाँ पे ये जो एक फ़िल्म देख रहे हो वो है ब्रेन की एम की इमेज तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी इमेज जो है वो जनरेट हो सकती है सो मेनली एम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है और वो मेनली हार्ट और ब्रेन इन दोनों में अगर प्रॉब्लम हो तो उसी के लिए रेफर की जाती है देन उसके अलावा और मेथड है वो है एंटीबॉडी डायग्नोसिस क्योंकि जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं उनकी सरफेस पे पर्टिकुलर कैंसर स्पेसिफ़िक एंटीजेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं तो हम उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूज़ करके डायग्नोस कर सकते हैं देन उसके अलावा और एक मैथड है मॉलिकुलर टेक्नोलॉजी में जिसमें हम मेनली क्या करते हैं जो भी ससेप्टिबिलिटी है किसी भी ऑर्गन में कैंसर होने तो उसके अंदर वो जो एनकोजीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे कई सारी मैथड है जिसके थ्रू हम ये जो पर्टिकुलर जीन्स हैं उन जीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और अगर उन जीन को हम अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर को जो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है उसका भी पता चल जाता है तो उसकी वजह से वो जो इंडिविजुअल है उसे कैंसर से प्रिवेंट किया जा सकता है तो ये कुछ उसके डायग्नोसिस की मेथड थी नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सो मेनली कैंसर की ट्रीटमेंट में एक है सर्जरी यानी कि उसके थ्रू आप डायरेक्टली जो ट्यूमर फॉर्म हुआ है उसे रिमूव कर दोगे देन रेडिएशन थेरापी तो रेडिएशन थेरापी में मेनली जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ पे रेडिएशन के थ्रू वो ट्यूमर जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और इस रेडिएशन थेरापी में एक और बात याद रखनी होती है कि जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू है उस पर उस रेडिएशन की कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो दैन उसके अलावा है इम्यूनोथेरापी तो अब इम्यूनोथेरापी में मेनली क्या होता है हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कैंसर सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती क्योंकि ये जो कैंसर सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम उन्हें आइडेंटिफाई या फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो इनएक्टिवेट होती है तो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए मेनली हम अल्फा इंटरफेरॉन जो है वो बॉडी में एंटर करवाते हैं थ्रू दी इंजेक्शन जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और उस पर्टिकुलर ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करती है देन उसके अलावा कुछ केमिकल्स भी हैं जो कि कैंसर सेल को किल करते हैं जिसे हम कैमोथराप्यूटिक ड्रग बोलते हैं और ये जो केमिकल से कैंसर को क्योर करने की प्रोसेस है उसे हम केमोथेरापी भी बोलते हैं लेकिन ये जो केमोथेरापी है उसमें जो भी ड्रग्स इंक्लूडेड है उनकी बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होती है जैसे कि हेयर लॉस देन एनीमिया दैट इज़ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्लड तो मेनली रिसेंटली जो है कैंसर की ट्रीटमेंट में हम सर्जरी नेडियोथेरापी और केमोथेरापी इन तीनों को कंबाइन करके कैंसर की ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं ताकि उसकी साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो कम से कम हो सके